जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। बॉर्डर पर जवानों को दिन रात अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम ने अखनूर सेक्टर में LOC के पास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया, जहां नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि दुश्मन देश पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उनमें इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में 24 घंटे पहले अखनूर सेक्टर में सेना के वाहन पर आतंकियों ने फिर हमला बोला, जिसमें एक आतंकी जो है वो ढेर हो गया। आपको ये भी बता दें कि ये अच्छी बात रही कि किसी भी सेना के जवान को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो चुकी हैं। इस समय हम अखनूर सेक्टर में हैं, जहां पर हाई अलर्ट के साथ साथ सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो LOC पर मौजूद हैं और हर तरफ पैनी नजर बनाई हुई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही सटे इलाके में POK भी जुड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सर्दी का मौसम आना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे सर्दी आती है मौसम का मिजाज बदल जाता है, ऐसे में जब फॉग जैसा माहौल जो है वो बन जाता है खुले आसमान के तले, तो आतंकी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। आतंकी ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ की कोशिश करते हैं और लॉन्च पैड की भी ज्यादा इजाफा जो है वो LOC पर बढ़ जाता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। जम्मू कश्मीर में LOC के पास पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम बनाने के लिए पहली बार फेंसिंग के पास कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके 20 मीटर बाएं 20 मीटर दाएं जैमर और डिटेक्टर लगाए गए हैं। अखनूर सेक्टर में LOC के पास से देखिए न्यूज 18 इंडिया की कोमल सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान वाली ड्रोन वाली साजिश अब नाकाम होगी। आपको बता दें कि LOC हो या BSF का बॉर्डर हो, वहां पर हमेशा आपने चुकन्ने देखा है सुरक्षा कर्मियों को कि पाकिस्तान से कोई भी गतिविधि हो उस पर कैसे नजर बनाकर रखनी है। लेकिन अब ड्रोन को डिटेक्ट करने का एक हाई टेक्निक, यहां पर जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये बिल्कुल LAC पर है, और ड्रोन के जरिए जो भी पाकिस्तान से ड्रोन आएगा उसको डिटेक्ट करेगा और वहीं पर उसको ब्लॉक कर देगा। ये तस्वीरों में आप जो ड्रोन देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान से इसी तरह से एक नापाक साजिश से बना, चाहे वो हथियारों के जखीरे के साथ हो, चाहे वो ड्रग की खेप के साथ, अगर कोई ड्रोन यहां पर आएगा तो ये ड्रोन और ये डिटेक्टर उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा, जिससे कि एक कामयाबी मिलेगी, कोई भी किसी भी तरह की जो गतिविधि है उसको अंजाम नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि ये एक हाई टेक्निक डिटेक्टर है और यहां पर कंट्रोल रूम भी इसी LAC पर, आप जिस तरीके से मेरे को चलते देख रहे हैं, ये जवान यहां पर मुस्तैद यहां पर ड्यूटी दे रहे हैं और यहां पर ही हम बिल्कुल LAC के टॉप पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर ही ये कंट्रोल रूम है। और हर बार हम देखते हैं यहाँ पर कि बंकर्स बनाए जाते हैं, पाकिस्तान पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी होती, लेकिन पहली बार पाकिस्तान की जो ड्रोन वाली साजिश है उसको नाकाम करने के लिए एक कंट्रोल रूम, यहाँ पर नया कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इस कंट्रोल रूम के जरिए यहाँ पर हाई टेक्निक सिस्टम, हाई टेक्निक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनसे पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर जो है वो नजर बनी रहती है। आपसे बात करेंगे, एक इतने भारी भरकम हथियारों के साथ बॉर्डर पर रहना कितना चैलेंज हो जाता है? देखिए, चैलेंज तो है ये, पर देश के लिए हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दलदली इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे रेप्टाइल्स घूमते हैं, साथ ही यहाँ पे पाकिस्तान की पोस्ट से ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो फायरिंग का खतरा भी हमेशा बना रहता है। जैसे कि आपने बताया कि सुबह फॉग होता है और यहाँ पे बहुत सारी सरकंडे की जो घास है वो बहुत ज्यादा ऊंची उगती है, तो उससे भी हमें थोड़े चैलेंजेस फेस होते हैं, बट इंडियन आर्मी ये सब चैलेंजेस को ओवरकम कर लेती है। ऑब्वियसली ओवरकम करती है, तभी तो आप यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पूरी देश की जनता, पूरी आवाम सोती है क्योंकि आप जागते हैं बॉर्डर पर। लेकिन एक चैलेंज तो हुआ गया कि फॉग भी है, जंगल भी, लेकिन सामने पारसी, जैसे कि आपने कहा कि जो LOC के जो उनके जो बंकर्स हैं वो भी सामने दिखते हैं, जो कि हम भी देख रहे हैं, बहुत पास पाकिस्तान है। तो ऐसे में जो ड्यूटी चेंज होती है, दूसरे जवान आते हैं, नई ड्यूटी के जवान आते हैं, तो किस तरह की उनकी ट्रेनिंग रहती है? देखिए, ट्रेनिंग तो जवानों की हम पर्याप्त कराते हैं, जो भी ट्रेनिंग हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो वेपन ट्रेनिंग हो, हर हथियार की हर जवान को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि मौका पड़ने पर ऐसा ना हो कि कोई जवान किसी और हथियार का हो, और हर हथियार चलाना हर जवान को आता है, और जवान की हर समय PT कराई जाती है ताकि वो हर समय फिजिकली फिट रहे, और साथ ही साथ उसको ये सब पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट करता है।